आज का शिरडी साइंस संदेश। मेरे बच्चे, क्या सोच रहे हो? क्यों फिक्र करते हो? मैंने अगर तुम्हें ये जीवन दिया है तो तुम्हारे बारे में कुछ बेहतर सोचा ही होगा, तो तुम क्यों संदेह करते हो? कभी कभी मेरे बच्चे, देर लगती है लेकिन कार्य अवश्य ही पूरा होता है। हर चीज़ का अपना वक्त होता है। कभी कभी तुम इस बात को भी बहुत सोचते हो कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, आखिर सब मुझसे ईर्ष्या क्यों करते हैं? तुमने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही दिल दुखाया, फिर भी लोग तुम्हारा दिल दुखाकर चले जाते हैं। हमेशा याद रखना, जो सत्य मार्ग पर चलता है वो हमेशा अकेला रह जाता है, और झूठ के साथ पीछे भीड़ खड़ी रहती है। इसलिए कभी भी अकेले होने में कभी भी घबराओ नहीं, क्योंकि तुम सत्य मार्ग पर चल रहे हो, और तुम्हारा अकेला होना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। मैं हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। जब तुम छुप छुप के कल रो रहे थे, मुझे सब ज्ञात है। तुम क्यों उन लोगों के लिए अपने आंसू, कीमती आंसू बहाते हो जो लोग तुम्हारी परवाह तक नहीं करते? अपने आंसू मत बहाओ, खुश रहा करो। मुझे अपना बाबा मानते हो ना, अपना पिता मानते हो, तो एक पिता अपने बच्चे की हर एक भावना को समझता है, वो अपने बच्चे का चेहरा पढ़ लेता है। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते, मुझे तुम्हारी परेशानी का, दुखी होने का कारण मालूम है। परेशान ना हुआ करो, वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। चिंता करना छोड़ दो, मैंने ना पहले तुम्हारा बुरा होने दिया है और ना आगे होने दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। तुमने जीवन में बहुत ठोकरें खाई हैं, दुख सहे हैं, सब कष्टों का अंत अब बहुत जल्द हो जाएगा। तुम बस अपनी मेहनत और अपनी लगन में ध्यान दो, इधर उधर की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। जो तुम्हारे अंदर सकारात्मकता है ना, उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। आजकल तुम जो बहुत बड़ी एक सोच में पड़े हुए हो ना, जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हो, लेकिन कभी कभी अपनी योजना के बारे में किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग सुझाव या मदद नहीं करेंगे, बल्कि अंदर ही अंदर तुमसे ईर्ष्या करेंगे, और जो तुम करने की सोच रहे हो तुम्हारे रास्ते में अड़चनें पैदा करेंगे। इसलिए अपने फैसले स्वयं लेना शुरू करो। आज के ज़माने में किसी पर भी भरोसा करना समझदारी नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, जिससे तुम्हारा वक्त बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करते हो, अपने घर को, परिवार को चलाने के लिए दिन रात एक कर देते हो, फिर भी सफलता हासिल नहीं हो पा रही। अब तो तुम्हारे हालात देखकर सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। जिनका तुमने इतना किया, इतना साथ दिया, सब तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। तुम सबकी मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हो, चाहे तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, तुम ये नहीं सोचते, लेकिन तुम मदद करने के लिए सबसे आगे आते हो। तुम्हारा ये ही निर्मल हृदय, तुम्हारा कोमल हृदय, तुम्हारा ये दया भाव तुम्हें सबसे आगे लेके जाएगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। कभी भी चिंता या हार के मत बैठना, और घबराया बिल्कुल मत करो। और जो लोग तुम्हारी असफलता पर हंसते थे, नाकामयाबी पर हंस रहे थे, साथ छोड़कर चले गए थे जो लोग, जिन्होंने तुम्हारे दुखों में कोई सहारा ना दिया, वो दिन भी बहुत जल्द ज़रूर आएगा। जो तुमसे मिलने के लिए वो तरसेंगे। कभी भी अपने दुखों को, अपनी परिस्थिति को किसी के आगे मत बताओ। अपने आंसू, अपनी कमजोरी का किसी को फायदा मत उठाने दो। रोना है तो उस मालिक के आगे रो, वो जो तुमसे निस्वार्थ प्यार करता है, और तुम्हारी आंख में एक भी आंसू वो नहीं देख सकता। चलो अब उठो, और उदास बिल्कुल मत हो, और अपने दिन की शुरुआत एक प्यारी सी मुस्कान के साथ करो। तुम्हारा दिन शुभ हो, ये ही मेरा आशीर्वाद है। हमेशा खुश रहा करो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।